हेलो हाँ बोल। यार, मुझे अचानक हमारे स्कूल के दिन याद आ गए। हाँ याद तो मुझे भी आते हैं और मैं सोचता भी हूँ कि कितने सालों से झेल रहा हूँ मैं तुझे। तूने नहीं, मैंने झेला है तुझे। चूती है तेरी, हर लड़ाई झगड़े के ब्लेम मुझ पर आते थे। तो बदले में घंटों तक मेरी साइकिल लेकर घूमता भी था ना तू। वो आदत तो मेरी अब भी है, बस तब तेरी साइकिल थी और आज तेरी बाइक है। सच में यार बदला तो कुछ भी नहीं। मुस्कान उस वक्त भी तेरे नाश्ते पानी के खर्चे उठाती थी और आज भी तेरी जिंदगी के खर्चे उठा रही है। वो बेचारी तो होमवर्क भी कर देती थी यार। इस बात से तुझे कुछ समझ में आ रहा है? मतलब मतलब तू बचपन से ही नल्ला और बेरोजगार है झाटू। चोद मेरी बेरोजगारी पर आ जाता यार। हेलो हाँ बोल। यार, मैं ये सोच रहा था कि अभी हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते, हाँ तो लेकिन एक वक्त जिंदगी में ऐसा आता है जहाँ सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी होते हैं और किसी को एक दूसरे का हाल चाल पूछने का भी वक्त नहीं मिलता, वगैरह वगैरह। ए लवड़े, तेरे को ये फालतू बकचोदी करने के अलावा और कोई काम होता है या नहीं? यार मैं तो बस कह रहा हूँ कि अगर हमारे बीच ऐसा कभी हुआ तो। अबे बाप और औलाद के बीच में थोड़ी बहुत दूरी आ सकती है, लेकिन औलाद के सर से बाप का साया आखिरी सांस तक नहीं हटता। हाँ बात तो ये भी सही है। वैसे बाप कौन है? मैं हूँ भोसड़ी के, रख दे फोन। आदर्चूत। हेलो, अबे तूने मुझे पैसे क्यों भेजे भाई? एडमिशन करवा ले अपना। अबे पर तुझे तो फोन लेना था ना अगले महीने। चल ठीक है, अगले महीने तुझे देता हूँ पैसे। ठीक है अंशु। हाँ माँ। ये कहाँ से सीखा? वे तू क्यों पीता ये? क्योंकि इसको पीने से ना बुढ़ापा नहीं आता है। भैया वैसे क्यों? क्योंकि हम जवानी में मर जाते हैं। हे सुन, अभी का अभी जरा मेरा 15 रुपए वाला नेट का रिचार्ज कर। क्यों, तेरे पास पैसे नहीं है क्या? अरे पैसे है मेरे पास, लेकिन रिचार्ज करने के लिए भी नेट चलना चाहिए ना, पूरा खत्म हो गया है मेरा। लेकिन तेरी ऑफिस में तो वाईफाई भी है ना? हाँ लेकिन मैं ऑफिस पर नहीं, घर पर हूँ यार, तू जल्दी करना। अरे यहाँ पर थोड़ा सबर तो रख, इतना हड़बड़ा है, कोई जरूरी काम अटक गया है क्या? चलती हुई फोन वीडियो में डेटा खत्म हो जाने की वजह से मेरा मुट्ठी का कार्यक्रम अटक गया है। साले केबीसी की औलाद कितने सवाल पूछ रहा है, सीधा रिचार्ज करना। ठीक है करता हूँ, लेकिन मुझे ये 15 रुपए वापस दे देना। हाँ दे दूंगा भोसड़ी के फकीर, जल्दी कर अब। हेलो। हाँ बोल यार, अभी मैंने गूगल पर ऐसा पढ़ा कि इंडियन मर्दों का एवरेज डिक साइज 5 से 6 इंच होता है। हाँ तो मैं ये सोच रहा था कि इनको ये सब पता कैसे चलता है, मतलब ये लोग नापने जाते होंगे या ऐसे ही बस हवा में। अरे तो ये तूने जिनका आर्टिकल पढ़ा है वहाँ पर उनके कॉन्टेक्ट ऑप्शन भी होते हैं, चूती है, उनसे पूछना, मुझसे क्यों पूछ रहा है? तुझसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये लोग कभी तेरे घर पर आए या नहीं। अबे ऐसे कोई किसी के घर पर लोड़े नापने नहीं जाता है भोसड़ी के बकचोद झांटो जैसे, सवाल मत कर, रख दे तू फोन। तो पता कैसे चलता होगा?